वेलकम टू माई चैनल हैप्पी लाइफ हैप्पी लाइफ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, आप सोच रहे होंगे इतनी रात में किचन में क्या कर रही है। तो ऐसा हुआ है कि आज मैं दोपहर में बहुत देर सोई थी और मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं सोच रही हूँ कल के लिए कुछ अच्छी वाली रेसिपी बना लो, थोड़े से स्नैक्स बना लो। तो मैं एक स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ जो यहाँ की फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी ये सोने जा रहे हैं और मेरे को खाना वाना तो हमने खा लिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी ये क्यों कर रहे हो, लेकिन मेरे को करना है अभी क्योंकि नींद नहीं आ रही, क्या करूँ। तो दिन भर तो नेट पे नहीं, इंटरनेट पे नहीं बैठ सकते, ये सीखो वो सीखो। तो चलिए रेसिपी बना लेते। दिन में वैसे भी ये तलने वगैरह के काम ना कर नहीं सकते, बहुत गर्मी पड़ती है। तो अभी तो थोड़ा ठंडा हो गया मौसम, तो चलिए बना लेते हैं। तो मैं ले लेती हूँ मैदा, मैदे के बनाएंगे। सो थोड़े से डीप फ्राई है, डोंट वरी, हेल्दी भी हैं और डीप फ्राई भी करूँगी इसको, और लेकिन आपको पता चलेगा कि हेल्दी कैसे है। देखिए ना, ये स्टैंड रुक नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, मैं ले लूँगी मैदे, मैदा कहाँ रखा था उस दिन मैंने, तो ये बेसन है, ये है मैदा, तो इसमें हाफ मैदा है डब्बा आधा, तो उसको मैं ख़त्म करूँगी अभी। सॉरी सॉरी बेबी, कहाँ गिर गए, यही गड़बड़ हो जाती है रात में। ओके, तो मैं लूंगी मैदा और इसको फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें डाल लिया है अजवाइन, लाल मिर्च, नमक और घी। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लूंगी और इसको इस तरह से कर दूंगी। फ्रेंड्स देखिए, इस आटे को मैंने इस तरह से गूंद लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरी रेसिपी के लिए। तो देखिए, आप आगे से देख सकते हैं। तो अब मैं इसको डीप फ्राई के लिए फटाफट से रख लिया। तो मैंने डीप फ्राई के लिए ऑयल रख लिया है फ्रेंड्स, ऑयल अभी गर्म हो जाएगा, तब तक हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। बहुत बहुत ईजी है, शायद ये आपको आती भी होगी, तो चलिए मैं बता देती हूँ कैसे करते हैं। तो इसको इस छोटी छोटी गोली बना के इस तरह से इसको जैसे हनी भी होती है ना वैसा ही है, तो मैं इसी तरह सारी देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो डिज़ाइन आया है किस तरह से आया है, बिल्कुल हनी बी जैसा। तो इतने सारे, आपने सोचा होगा ना, इतने थोड़ा सा मैदा गूंद रही हूँ, लेकिन इतने थोड़े मैदे से बहुत सारे बन जाएंगे और आप इसके स्वीट भी बना सकते हो, जो मैं अभी नहीं बना पाऊँगी कि रात होगी। तो अभी ये भी जानबूझ के आज ही सो गए थे और मैं अकेले पे इसको बनाऊं। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरे बना ले
लेते हैं और बनाने के बाद ये इस तरह से होते हैं। तो ऐसे ही मैं पूरे आटे के बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने जितनी भी पूरी जो थी इससे छोटी छोटी हनी बीज बना लिए हैं, तो ये ऐसे दिख रहे हैं, है ना, कितने क्यूट। और मैक्रोनी भी लग रहे हैं मेरे को, तो भाई जो पास्ता होता है वैसे लग रहा है। तो अब इसको डीप फ्राई करना है। तो यही है मेरे खारे वाले हनी बीज, कल मैं स्वीट हनी बीज बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए तेल गरम हो रहा है हमारा, तो फटाफट गरम कर लेते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने एक प्लेट रेडी कर लिया है, इसमें मैंने टिश्यूज रख लिए हैं क्योंकि वो ऑयल होगा तो ये थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मेरा ऑयल भी गरम हो चुका है, चलिए चलते हैं। इनको लाइट डार्क ब्राउन कलर आने तक इसको हमने, फ्रेंड्स इसको ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। देखिए हनी बी की शेप आपको दिख रही होगी, तो बहुत टेस्टी होते हैं ये इनको, और क्रिस्पी भी होते हैं क्योंकि हमने इसमें घी डाली है। तो इसको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए ना फ्रेंड्स, थोड़ा इसका कलर ब्राउन हो रहा है, और थोड़ा ब्राउन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, मुझे अभी फिर से नींद ही नहीं आ रही। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो स्वीट होते हैं ना, स्वीट हनी बीज भी बनाऊं। तो मैं ले रही हूँ स्वीट हनी बीज बनाने के लिए, सेम वही प्रोसीजर होगा लेकिन इसमें सिर्फ आप एक चुटकी नमक ऐड करेंगे बस, और मैदे को उसी तरह घी डाल के फिर से इसको, सेम प्रोसीजर है। फिर उसको मैं बनाऊंगी गुड़ के साथ, तो उसका मुझे गुड़ को भी पिघलाना पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स ले लेते हैं मैदा। फ्रेंड्स देखिए मैंने ये वाले बना लिए, और ये जो मेरे नमकीन वाले रेडी हैं, और ये वाले मैं मीठे वाले बनाऊंगी, जिसके लिए मुझे एक कढ़ाई में गुड़ को पिघला लेना पड़ेगा। और ये ऑयल मैं फिर से गरम कर रही हूँ, इनको भी डीप फ्राई करना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देख रहे हो मेरे हालत कितने पसीने पसीने हो रही हूँ, लेकिन पता नहीं कभी कभी ना मुझे ऐसे ही दौरे पड़ जाते हैं कुछ बनाना ही है करके। तो मेरे पास ये गुड़ है देखिए इसमें, तो मैं इस वाले कढ़ाई में डाल के इसको पिघला लेती हूँ। फ्रेंड्स अच्छे बन गए ना, अच्छी खुशबू भी आ रही है। हम कोई इस टाइम पे सोता है, मैं खाना बना रहा हूँ तो, लेकिन ना दिन में कुछ खाने का मन कर रहा, तो मैं ये गुड़ इसमें डाल देती हूँ कढ़ाई में, तो इसको पिघलने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा वाटर भी चाहिए होगा, तो इसमें वाटर डाल लेती हूँ। मैंने दो ऐसे वाले पीसेस लिए हैं, इसमें वाटर डाल लेती हूँ, और ये ऑयल गरम भी होने लगा है, तो इसमें मैं ये वाले मेरे हनी बीज डाल लेती हूँ। फ्रेंड्स मैं इनको हनी बीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बचपन में ना मम्मा ये बनाते थे और शुगर में इसको डाल देते थे, तो मैं इनको, इनका जो शेप है ना वैसा ही है, तो मैं इनको वही बोलती थी कि हनी बीज लग रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको हनी बीज स्वीट कह देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं गुड़ में थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ पिघलाने उसको। तो फ्रेंड्स मैंने इनको फ्राई करने के लिए डाल दिया है इसमें, तो इनको भी लाइट, ये मैदे के हैं ना फ्रेंड्स, इसीलिए ये ज़्यादा ब्राउन नहीं होंगे, थोड़े गेहूं के आटे के भी आप बना सकते हो, सेम प्रोसेस होता है। इसको अच्छी तरह से मैं कर लूँगी, और इस साइड ना मैं गुड़ को पिघला रही हूँ, तो
गुड़ को जो चाशनी कहते हैं ना चीनी की, वैसे ही इसको एक तार वाली बना लें या दो तार वाली भी बना सकते हैं जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो। फ्रेंड्स और ना इसमें आपने इलायची भी डालनी है, तो मैं इसको पिघलाने के काम में रहती हूँ। तो देखिए तो इसको फ्राई होने देते हैं। तो इलायची भी ले लेती हूँ मैं और इसको कूट लेती हूँ पहले। फ्रेंड्स देखिए ये वाली भी जो पिघल चुकी है, थोड़ा सा बचा है, इसमें मैंने इलायची भी डाल दी है। बहुत गर्मी है और सोचिए अगर मैं दिन में बनाती तो और गर्मी होती। अच्छी खुशबू आ रही है जो इलायची डाली ना इसमें। देखिए फ्रेंड्स ये टीवी चला के सो गए हैं, कैसे सो जा रहे हैं ये। फ्रेंड्स मैंने देखिए इस डिब्बे में भर लिए हैं ये नमकीन है और जो स्वीट होगा मैं उसे और एक चीज़ में भर लूँगी। तो इसको मैं थोड़े देर खुला ही रखूँगी ताकि ये, वैसे तो ठंडे हो गए हैं और इसका जितना भी ऑयल था वो इसमें आ चुका है, इसलिए मैंने इसमें कोई टिश्यू वगैरह नहीं रखा नीचे। तो देखते हैं इसका हाल क्या है। हाँ देखिए मैं आपको ये बताने वाली थी, गुड़ को ऐसा हो जाना है ताकि जैसे ही हम ये वाले जो डाले ना इसमें तो वो पूरा चिपक जाए इसमें। हम तो इसको पाकम कहते हैं फ्रेंड्स, गुड़ का पाक, ऐसा जो पिघलाने को कहते हैं। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये, हाँ देखिए ऐसा हो जाना चाहिए, थोड़ा और होना है इस तरह से, ऐसे चिपचिपा हो जाना चाहिए। अगर मैं अभी जल्दी सोई नहीं तो इनकी डांट लगेगी मेरे को अभी कि रात में क्या कर रहे हो, तेल वगैरह पका। अच्छा कितना गर्म हो गया था ये चम्मच। फ्रेंड्स मैंने इनको निकाल के इस गुड़ वाले सिरप में डाल लिया है, तो थोड़ी देर जब ये ठंडा होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा और ये वाले ये जो सिरप है तब इसको मतलब कि कड़क हो जाएंगे ये। तो मैं थोड़ी देर इसको रख देती हूँ ठंडा होने तक। गैस ऑफ कर लेती हूँ, नीचे से इसका सिलेंडर ऑफ हो गया। तो मेरे बन गए नमकीन और स्वीट, दोनों चीज़ें बन गई। तो यही हो गया फ्रेंड्स हनी वाले बीज, ये हनी हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे ये वाले हनी बीज बन चुके हैं और हनी स्वीट कह रही हूँ मैं इसको। तो ये गरम है इसीलिए अभी तक, तो जब
थोड़ा सा गुड़ लिक्विड लग रहा है क्योंकि गर्म है, जब ठंडे हो जाएंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। कितना यमी दिख रहा है ना। और ये है नमकीन वाले, ये भी बहुत टेस्ट। देखिए आप उसकी आवाज़ सुन सकते हो कितनी खस्ता आ रही है, और वैसे ही ये भी खस्ता हो जाएंगे जब ठंडे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। तो मिलते हैं सुबह फ्रेंड्स, अभी ये तो सो रहे हैं देखिए, तो ये फ्रेंड्स देखिए मैंने अभी खिड़की बंद करनी है, थोड़ा सा ठंडी हवा आ रही थी इसलिए खोल दी खिड़की, और अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट फ्रेंड्स, मिलते हैं सुबह, और जब ये टेस्ट करेंगे ना तो उसका मैं रिव्यू भी आपको दे दूँगी। मैंने आज सुबह काजल लगाया था, पूरा यहाँ तक आ गया। और देखिए फ्रेंड्स जितने कपड़े भी सूखे थे उसको तय भी नहीं किया और ये काम में पड़ गई, तो इसको तय करूँगी सुबह सुबह। और जब ये दो चीज़ें ये खाएंगे तो इसके रिव्यूज़ आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए रात में लेट सोई थी तो लेट हो गया आज उठने में मुझे, और देख सकते हैं टाइम कितना हो रहा है। रोज़ मैं 6 बजे या 5:30 बजे मुझे जाग आ जाती है, लेकिन आज मैं इतनी लेट हो गई क्योंकि रात में लेट सो गई थी। देखिए अभी इसको भी मैंने कुछ रेडी भी नहीं किया, ठीक भी नहीं किया, बिस्तर को भी कर लेती हूँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ पहले। फ्रेंड्स रात को मैंने जो ये बनाए थे ना, मैं ऐसे ही रख के सो गई थी इसको, मतलब ये बहुत गर्म थे। अच्छे बन गए नहीं? छोटे थे ना फ्रेंड्स तो मम्मा इस शुगर वाले बनाते थे हमारे लिए। तो ये हेल्दी भी है क्योंकि ये बने हैं गुड़ के, और तो फ्रेंड्स यहाँ तो यही वाला येलो वाला गुड़ मिलता है, लेकिन और एक गुड़ होता है ना ब्लैक कलर का, ब्लैक मतलब थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, वो तो ओरिजिनल होता है। तो अगर आप उसके बनाओ ना तो और भी हेल्दी होगा, यहाँ तो यही मिलता है ना, लेकिन किसी किसी साइड पे वो मिल जाता है तो आप उसी से ट्राई करें। ये येलो गुड़ तो बस ऐसे ही, जब नहीं मिलता तो यही करना पड़ता है। हाँ सुपरमार्केट्स में मिल जाता है, रिलायंस वगैरह में, लेकिन आप मेरे पास नहीं था, मतलब यहाँ की छोटी वाली दुकानों में यही मिलता है। देखिए कैसा है, चिक्की लग रहा है, लेकिन अब इसको हमको अलग अलग करना है। हमको जब गर्म था ना फ्रेंड्स तभी अलग कर लेना था, तो ऐसा नहीं होता शायद। हाँ देखिए कोई बात नहीं, रात को पूरे रिश्तेदारों से ये बनाने से पहले सबसे बात कर रही थी फ़ोन कर करके, अपने मम्मी को फ़ोन किया, फिर इनके मम्मी को फ़ोन किया, फिर उनकी बहन को फ़ोन किया था, उनका फ़ोन आया था, तो मेरे जो
इनके मम्मी जो है हमारे पूरे रिलेटिव्स उनके फ़ोन आए थे, कैसे हो क्या हो, और मैंने भी फ़ोन किया उनको, और मेरे जो मामा नानी लोग हैं उनको भी फ़ोन किया। हालांकि नानी लोग बहुत पास है, बाजू में ही हैं एक दो घर छोड़ के, लेकिन आ जा नहीं रहे, तो इसलिए मैंने फ़ोन कर लिया। तो पता नहीं कल बहुत बोर हो रही थी, शाम को ऐसे सबसे बात करने का मन हुआ, तो सबको फ़ोन कर लिया, स्कूल के फ्रेंड्स को फ़ोन कर लिया। कर कर के जब कुछ समझ नहीं आया ना, बोरियत होगी, सबको देखने का मन कर रहा था। इंसान कितने दिन अकेला है, तो इसीलिए मेरे को शायद ये बनाने का मन। रात को लेट सोए थे ना, वो मैं रेसिपी ट्राई कर रही थी, पता चल रहा है कि क्यों ट्राई किया। अभी नींद तो आ रही है, लेकिन माइंड में यही चल रहा है कि जो सिंक में बर्तन है और जो डोसे बनाए थे सुबह सुबह, उसके बर्तन बहुत सारे हो गए, अभी वो धोने हैं। देखिए आज हमने एक चीज़ सीखी है, आम के जो गुठली से पेड़ कैसे उगाया जाए। तो ये मेहनत में शक्कत कर रहे हैं कि वो किस तरह से वो जो गुठली के अंदर एक और छोटा सा होता है ना सीड, वो निकाल रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे निकाल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा आ गया अंदर एक सीड। हाँ एक सेकेंड रुको, इस वाले गमले में हमारी मिट्टी है थोड़ी सी, तो इसमें हम उसको रखेंगे। पहले मिट्टी को थोड़ा भिगोएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले गमले को हमने जो मिट्टी है ना बहुत कड़क हो गई थी, क्योंकि ये गमला हमेशा उस कोने पे रहता था। तो अभी इसको हमने ना मिट्टी को भिगा दिया पानी डाल के, और थोड़ा डालना है शायद, तो ये लेकर आ रहे हैं। हाँ तो अभी इसको खोदेंगे, और हम ये जो बीज है ना आम का, वो ये वाला बीज मैं इसमें रख रही हूँ, और इस पर मिट्टी भी डालना है ना, मिट्टी डाल दे रही हूँ बस। हाथ धो ले एक सेकेंड। हाँ तो थोड़ा मॉइस्चर कर देना है इस गमले को, बस बस बस। और इस गमले को हम लोग रख देंगे वहाँ पे, पानी ज़्यादा तो नहीं डाल दिया, लेकिन बहुत सूखा था फ्रेंड्स अंदर। हाँ धूप में रख देते थोड़ा सा। तो पॉट रेडी है मेरा, हाउ टू ग्रो मैंगो प्लांट, यही है मेरा आज का प्रोजेक्ट। सो मेरे कितने प्लांट्स हो गए, टमाटो, मैंगो, पुदीना, तुलसी, इतने हो गए। खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे।
7 o'clock हो गए हैं। सुबह से मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया और नाश्ता बनाकर, नाश्ता आज मैंने जैसे कहा था आपको पहले डोसा बनाया था और फिर खाने में लंच और सिंपल सा खाना था, दाल चावल और पापड़, तो बना दिया और खा के मैं सो गई थी, थोड़ी देर आराम कर रही थी क्योंकि रात को भी लेट सोई थी इसीलिए नींद आ रही थी, सो गई। सोने के बाद इन्होंने मुझे उठाया ही नहीं, 6 बज गए थे, तो 6 बजे फटाफट उठ के नहाया, नहाने के बाद थोड़ा बाल बाल बनाया, थोड़ा फ्रेशअप हुई और बाद में आकर नहाने के बाद घर का काम किया मैंने, झाड़ू पोछा, झाड़ू तो कर लिया था मैंने, पोछा कर लिया क्योंकि सुबह मैंने पोछा भी नहीं मारा था, तो अभी पोछा मार लिया, थोड़े से बर्तन थे वो धो लिए और अभी सोचा कि आपसे बात कर लेती हूँ। तो आज सुबह से कुछ ज़्यादा काम नहीं किया बस, और आज मैं कुछ स्पेशल एक प्लांट भी लगाया था, जैसे मैंने आपको पहले आपने देखा ही होगा मैंगो प्लांट, तो आम खाए थे आज हमने, मज़ा आया था। और मेरी जो स्वीट है वो बहुत अच्छी बनी फ्रेंड्स, तो आप भी ट्राई करना और उसके रिव्यूज़ मुझे देना कि कैसे बनी, और आप भी बनाते ही होंगे वैसी वाली तो मुझे ज़रूर बताना कि कैसी बनी। तो फ्रेंड्स देखिए ना, शाम होगी और दोपहर में इतनी गर्मी थी यहाँ पे और अभी थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा कूल हो गया है बाहर क्लाइमेट, तो अभी अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए मैं अभी अपनी डायरी वगैरह लेके यहाँ पे खाट है बाहर, तो ठंडी हवा में थोड़ा बैठने आई हूँ। पूरे विंडोज़ वगैरह हमने बंद किए घर के, दोपहर में इतनी गर्मी भाप आती रहती है बाहर से, तो क्लोज़ कर रहे थे, तो अभी पूरे खोल खोल के आए, थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, ये नहा के आएंगे तो दोनों बैठेंगे, और अभी देखती हूँ डिनर में क्या बनाऊँ। दोपहर का जो दाल थी तो अभी पता नहीं क्या बनाना पड़ेगा डिनर में, अभी ये नहा के आएंगे तब इनसे पूछूँगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट भी कीजिए कि मुझे मेरे जो वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और आपके सजेशंस भी दीजिए जो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक कल के नए व्लॉग में, मैं ये ठंडे ठंडे मौसम में थोड़ा बाहर बैठ जाती हूँ और वीडियो को एडिट करके फटाफट आपके पास भेजती हूँ, और मेरी आलू की टिक्कियाँ आपको कैसी लगी ये भी मेरे को बताना ज़रूर, तो एक फ्रेंड ने बताया था उनको बहुत यमी लगी, तो थैंक यू सो मच। तो अभी ये ठंडी हवा आ रही, थोड़ा आराम करेंगे हम बाहर बैठ के, और इससे क्या होगा ना, हम ठंडी हवा में थोड़ा बाहर आंगन वगैरह में बैठेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कम, मतलब कि जो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगा और सेव हो जाएगा, तो मतलब कि ऐसा करके आप बाहर मत चले जाना फ्रेंड्स, मेरा यहाँ आंगन है ना इसलिए, मैं तो अपने जो अपने आपके आंगन के अंदर ही रहना, बाहर नहीं जाना ऐसा करके कि सेव इलेक्ट्रिसिटी है करके, मतलब कि थोड़े फ़ैन वगैरह बंद कर देंगे हम लोग तो थोड़ी बहुत तो बचत हो ही जाएगी, तो मिडिल क्लास के लोग हैं ना फ्रेंड्स, तो हमको ये सोचना ही पड़ता है, और देश के लिए तो, और ये सारी चीज़ें भी गुड हैबिट्स होती हैं, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, ये सब तो करना ही पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं कल के एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, शबक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रेंड्स।